Why banks reject your credit card? Bank आपके credit card को reject क्यों करती है इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज आप यहाँ आए हो तो जाहिर सी बात है कि आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ है रीजन नंबर वन यू आर जॉबलेस मतलब आप कोई नौकरी नहीं करते अब नौकरी नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं कमाते बट द थिंग इज जो लोग बिजनेस करते हैं अर्निंग कर भी रहे हैं तो उनके क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के चांसेस नाइनटी परसेंट है और इसकी वजह है अनसर्टेनिटी एंड रिस्क जी हाँ बैंक को यह लगता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो रिस्की है और शायद कल को आप उन पैसों को चुका ना सको जो आपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए इसलिए बैंक्स फर्स्ट प्रेफरेंस उन लोगों को देती है जो नौकरी कर रहे हो रीजन नंबर टू यू हैव जॉब बट योर क्रेडिट स्कोर इज लो जब आप किसी भी तरह का क्रेडिट यू कहूँ लोन लेते हैं तो क्रेडिट स्कोर सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका क्रेडिट करती है कि आपको लोन या मिलेगा नहीं अब क्रेडिट स्कोर होता क्या है ये ठीक आपके रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है बस डिफरेंस ये है की स्कूल में सब्जेक्ट के स्कोर होते हैं और यहाँ आपके फिनेंशियल हैबिट का स्कोर दिखता है पास्ट में जिस तरह से आपने लेन देन किया है उनकी समरी होती है यहाँ तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर या रिपोर्ट खराब है जो होने के बावजूद आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच वैरी करता है और साढ़े सात से ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है और उससे कम बैड माना जाता है ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा ये वाला वीडियो जरूर चेक कीजिए तो तो इफ यू कम अंडर बैड क्रेडिट क्रेडिट सेक्शन ये कार्ड रिजेक्शन का एक मेजर रीजन हो सकता है रीजन नंबर थ्री योर क्रेडिट स्कोर इज गुड बट आपकी सैलरी लो है अब क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है लेकिन आपकी सैलरी लो है तो इस सिचुएशन में आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है बट वॉट लो सैलरी मींस इट मीन की बैंक चाहते हैं कि आपका जो सैलरी है वो एटलीस्ट आपकी क्रेडिट यूटिलाईजेशन रेशियो से ज्यादा हो तो अगर आपके अच्छे credit score को देखते हुए आपको एक अच्छे limit देने का सोचती है, है है, तो तो उस वक्त वो आपके utilization ratio को calculate करती है आपकी salary से. Example, अगर आपकी से। अगर लाख की लिमिट है, तो उसका थर्टी परसेंट यानी तीस हजार आपका जो क्रेडिट यूटिलाईजेशन है आपकी सैलरी उससे ज्यादा होनी चाहिए अगर ये सैलरी आपकी कम है तो आपके क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं रीजन नंबर फोर बैड क्रेडिट हिस्ट्री एक बैड क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब यही नहीं होता कि आप टाइम पे पैसे चुका रहे हो या नहीं हो सकता है आपने कभी लोन लिया ही ना हो कभी आपका क्रेडिट बिल्ड ही ना हुआ हो या ये हो सकता है कि आपने कभी अपने अच्छा सेविंग्स अकाउंट तो बैंक आपके क्रेडिट हिस्ट्री के कारण आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर सकती है रीजन नंबर फाइव टू मैनी क्रेडिट कार्ड और लोन कुछ लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होंगे और फिर भी उन्हें एक और क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा ये भी एक मेजर रीजन है क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने का क्योंकि बैंक्स को ये लगता है कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड का बिल्स आप कैसे भरोगे फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास तीन क्रेडिट कार्ड हैं ऑलरेडी जिनकी लिमिट एक एक लाख है तो टोटल तीन लाख की लिमिट हुई जिसका थर्टी परसेंट यूटिलाइजेशन रेशो हुआ नब्बे और आपकी सैलरी है साठ तो बैंक से ये सोचेंगे कि आप ये तीस कैसे भरोगे

हो सकता है कि जिस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो कंपनी आपके शहर में फैसिलिटी प्रोवाइड ही ना कराती हो